फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिया था पीरियोडिक फंक्शन और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये दोनों भी टॉपिक लिए थे। उसमें से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी था, हालांकि थोड़ा ट्रिकी भी था। तो वैसे ही पीरियोडिक फंक्शन ही था। तो आज हम लेने वाले हैं पीरियोडिक पर्टिकुलर वैल्यू, उसका नोटेशन कैसा है। जिस किसी भी क्वेश्चन में 0 to infinity e raise to minus st dt ऐसा अगर फॉर्म मिले तो ये समझ जाने का कि पर्टिकुलर वैल्यू है। क्यों मैंने ऐसा कहा, अभी मैंने थर्ड वीडियो लेक्चर दैट इज मे बी ये था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, तो उसमें भी आपको बोला था कि जिस किसी भी क्वेश्चन में e आ जाए तो वो रहता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया रहेगा, e के साथ इधर 0 to infinity है इसलिए पर्टिकुलर वैल्यू। अगर e के साथ कभी लैपलास आता है तो आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है जो कि लगने नहीं वाले, इसलिए मैंने इधर रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखा है। ये अपना रिक्वायर फॉर्मूलाज नहीं है इसलिए ये नहीं लगने वाले, बट हाँ मैंने लिखा है, आपको पता चल जाएगा क्यों। इधर लिखा है मैंने ओल्ड स्टाइल, क्यों लिखा है देखो। सबसे पहले तो ये अपना सम है 0 to infinity e raise to minus 2t, देखो इसमें इन्फिनिटी है, मैच करो क्वेश्चन को। e raise to minus st है, माइनस एस टी है, इधर है e raise to minus 2t, कॉस तो बाजू में रखो, दैट इज dt है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इस फॉर्म के साथ मैच हो रहा है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आएगा देखो, इसका करने का दो तरीका है, एक तो ये फॉर्मूले से करो, एक तो लैपलास से करो। लेकिन ये ओल्ड स्टाइल है तो मैं आपको पहले ओल्ड स्टाइल सिखाऊंगा, जो कि आपको पेपर में बिल्कुल नहीं करना है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज e raise to minus 2t cos 3t, इससे कंपेयर करना, cos से इसीलिए फर्स्ट से कंपेयर करो। इसमें से आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा, देखो e raise to ax, इधर है e raise to minus 2t, तो अगर मैंने कंपेयर किया तो इधर आपको मिलता है a का वैल्यू माइनस 2 और आपको b का वैल्यू मिलता है 3, ठीक है। सो आप इस फॉर्मूलाज में डालेंगे और बाद में लिमिट लेके उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो इसमें इस फॉर्मूला में डालो दैट इज e raise to minus 2, इधर x से इसीलिए x, इधर t है इसीलिए t, e raise to minus 2t डिवाइडेड बाय a square plus b square, दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, सो ये 4 प्लस 9 हुआ। देन नेक्स्ट a cos bx, दैट इज cos bx sin bx, दैट इज a का वैल्यू माइनस 2, cos b इज 3, देन ये t प्लस b इज 3, sin b इज 3 x की जगह t, हालांकि ये x में है इसीलिए x में, t में रहता है तो t में, ठीक है। ये अभी ये होल लिमिट है 0 to infinity, अगर मैंने फर्स्ट इन्फिनिटी डाला तो e raise to infinity इज 0, तो मल्टीप्लीकेशन विथ होल टर्म इज 0, सो ये फर्स्ट इज 0। ये वाला अगर 0 डाला मैंने तो ये e raise to 0 आ गया, इधर 13 है, माइनस 2 cos 0 प्लस 3 साइन 0, ठीक है। सो इधर आप देख सकते हैं e raise to 0 इज 1, सो ये 1/13, cos 0 इज 1, साइन का टर्म गया बिकॉज साइन 0 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, सो ये cos 0 इज 1, सो माइनस 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, सो ये 2/13, सो आपको ये आंसर मिला 2/13। लेकिन ये ओल्ड स्टाइल है, हाँ। और आपको अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे तो कैसे याद रख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है दोनों का सेम, कॉस है इसलिए पहले कॉस, साइन है इसलिए पहले साइन, फिर ABCD याद करो, उसमें पहला क्या आता है ए आता है, फिर ए लिखा, बी आता है, फिर बी लिखा, इसमें भी ए आता है, ए लिखा, बी आता है, बी लिखा, कॉस है इसीलिए प्लस, साइन है इसीलिए माइनस। सिंपल क्या करने का है, ये दो बाहर का पार्ट जो है वो आपको याद रखना है, फिर कॉस आया तो कॉस, साइन आया तो पहला साइन, ओके,
एंड देन साइन की बात करें तो कॉस में प्लस आता है और साइन में माइनस आता है, बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। लेकिन ये स्टेप आपको पेपर में नहीं करना है क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि दिस इज द ओल्ड स्टाइल। सो अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है न्यू स्टाइल जो कि लैपलेस से हम लोग करेंगे। देखिए मैंने अभी वही सम सॉल्व मतलब लिखा है, तो आपको इधर सॉल्व करना है। क्या करने का, जैसे कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहता आ रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन विद टी हो चाहे वो डिवीजन बाय टी हो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, ठीक है, टी को साइड में लेने का, बाकी जो बचा है उसका लैपलेस करने का। अभी देखो अगर मैंने वो फॉर्म के साथ मैच किया, 0 to infinity ई रेस टू माइनस एस टू डी टी मैच हो रहा है ना, तो बचा क्या, कॉस थ्री टी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है आपको करना है लैपलेस ऑफ कॉस थ्री टी, ठीक है। क्या आता है देखो, फॉर्मूलास में फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, फॉर्मूलास सब करना है। मैंने आपको शीट दिया था फॉर्मूलास का, आई होप आपने किया रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, s अपॉन s square plus a square, दैट इज 3 का square is 9 एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस, सेकेंड पार्ट है आपका पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। सो पर्टिकुलर वैल्यू में 0 to infinity ई रेस टू माइनस 2t cos 3t dt इज इक्वल टू, बस इतना लिखो। इसके बाद ये वाला इधर लिखो s अपॉन s square plus 9, ठीक है। अब भी आपको क्या करना है, s का वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना ही। और हाँ, s हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है, ठीक है। ओके सो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैं सबसे पहले उसके बाद के वीडियो लेक्चर में भी आपको बोलते रहो फॉर्मूलास करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास आपको पता रहेगा क्या है, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको थर्ड वीडियो लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, जो कि मेन फॉर्मूला था सबसे पहला वाला। ओके सो आप उससे कंपेयर कर लीजिए, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, दैट इज एफ ऑफ टी क्या है कॉस 3t और ई रेस टू माइनस एस टी है, और इधर क्या है ई रेस टू माइनस 2t है, ठीक है। सो मैं इससे कंपेयर करता हूँ, ई रेस टू माइनस एस टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2t। आपको क्या करना है, नथिंग एल्स, सिंपल एस का वैल्यूज निकालना है क्या है। अभी आप कंपेयर करोगे तो ई ई से में नहीं लिखेंगे, टी टी से में नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस से में नहीं लिखेंगे, बचा क्या एस, और इधर क्या बचा 2, सो एस का वैल्यू 2। और फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव में रहती है, एस इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी, हमेशा पॉजिटिव में रहनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी निगेटिव में आई तो वो केस रॉन्ग हो जाएगा, आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आने के लिए आपको जो एक्सपोनेंशियल है वो निगेटिव आना चाहिए, सो एक्सपोनेंशियल मस्ट बी निगेटिव, तभी आपका एस का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। सो जो एस का वैल्यू है वो इसमें पुट करो तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 2 upon 2 square plus 9, दैट इज 2 upon 4 plus 9 विच इज 2 by 13। ओके सो ये 0 to infinity ई रेस टू माइनस 2t cos 3t dt। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फॉर्म जो मैंने दिया है ई रेस टू माइनस एस टी डी टी और ये इंटीग्रेशन, उसको कंपेयर करो, उसको छोड़ के जो बचता है उसका पहले लैपलेस करो, फिर पर्टिकुलर वैल्यू लगाओ। पर्टिकुलर वैल्यू में ई रेस टू माइनस एस टी और ये जो फॉर्म है उसको कंपेयर करो और फिर एस का वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये 2 by 13 आ गया, और मैंने फर्स्ट सम जो है वो सॉल्व किया था उसमें भी 2 by 13 है, लेकिन ये ओल्ड स्टाइल है इसलिए मैंने इधर लिखा था ओल्ड स्टाइल, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, आपको ये न्यू स्टाइल करना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अभी आपका सेकेंड पार्ट है 0 to infinity ई रेस टू माइनस 3t cos 2t dt। अभी इसमें देखो मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी कब पॉजिटिव आएगा, जब आपका एक्सपोनेंशियल निगेटिव होगा तब, इधर है निगेटिव नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्यों हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल निगेटिव
नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल को निगेटिव होना ही चाहिए, एक्सपोनेंशियल मस्ट बी निगेटिव, ओके, तभी आप आगे पर्टिकुलर वैल्यू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया था ई को छोड़ के बाकी जितना भी दिखे उसका पहले लैपलेस करो। सो फर्स्ट पार्ट इज लैपलेस ऑफ कॉस 2t इज इक्वल्स टू, क्या है इसका वैल्यू, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, और ये आपको मिला एफ ऑफ एस। ठीक है, अभी मैं पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लगा सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल मेरा नेगेटिव नहीं है, तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज एफ एस पी। ओके, सो आपको पता ही रहेगा क्या है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का तो पहले वो देखिए, बाद में इधर आ जाएगा। ओके, सो क्या है ई रेस टू, अभी देखो ये पॉजिटिव है तो इसीलिए मैंने ई रेस टू 80 लिखा, एफ ऑफ टी, ये मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ एफ एस पी का, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, इधर प्लस है इसीलिए इधर माइनस, अगर इधर ये माइनस रहता तो इधर प्लस, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के, सो आप देख सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद ई रेस टू 3t कॉस 2t इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है मेरा इधर एफ ऑफ एस, और इधर क्या है एफ ऑफ एस माइनस है, मतलब ये फंक्शन जो है वो a सेकंड से डिले हो रहा है, इधर क्या है 3, तो ये 3 सेकंड से डिले हुआ, तो जिधर भी s है उधर s माइनस हम लोग 3 डाल सकते हैं, दैट इज s माइनस 3 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये तो हुआ अपना एक पार्ट, फिर थर्ड पार्ट अब भी हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू, इधर तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूँ ई रेस टू माइनस 0t, हाँ ई रेस टू 0t मतलब ई रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो मैं 1 को ये लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो मैं ये लिखता हूँ और ये बाकी का सेम। ठीक है, अब भी आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको s का वैल्यू जो है वो 0 मिलेगा, और हाँ s का वैल्यू देखो मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही मिला तो ये सम राइट है। ठीक है, तो s का वैल्यू 0 जो है वो इसमें डालो, सो 0 टू e रेस टू 3t cos 2t dt इज इक्वल्स टू s का वैल्यू 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 0 माइनस 3 दी होल स्क्वायर दैट इज माइनस 3 दी होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 13, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बस ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ये इधर नेगेटिव नहीं था मेरा एक्सपोनेंशियल हमेशा नेगेटिव ही रहना चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो पहले वो चला जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद हम लोग लगाएंगे ई रेस टू माइनस 0t और फिर हम लोग s का वैल्यू लिखेंगे। देखो इधर भी s का वैल्यू पॉजिटिव में आया है, इधर भी s का वैल्यू पॉजिटिव में आया है। ओके, चाहे वो 0 रहने दो कुछ भी रहने दो, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो ये रहे मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है 0 टू इन्फिनिटी sin 2t dt एंड 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस 3t t cos 3 dt। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इधर e नहीं है, ठीक है, अभी मैंने सेकेंड सम में भी बोला था ई नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने ई रेस टू माइनस 0t लिख सकता हूँ ना, फिर कंपेयर करो तो इधर आप लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस 0t, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, देखो सेकेंड में एक्सपोनेंशियल निगेटिव है, हाँ भाई ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू लगा सकते हैं, एफ एस पी का इधर कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड है इधर टी इंटू कॉस टी, देखो इधर टी इंटू कॉस टी मल्टीप्लीकेशन विद टी है। ठीक है, तो मैंने आपको सब वीडियो लेक्चर में बताया है, चाहे मल्टीप्लीकेशन विद टी हो, पर्टिकुलर वैल्यू हो, डिविजन बाय टी हो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, उसके बाजू वाला जो रहता है उसका पहले लैपलेस लिखो। सबसे पहले तो एक स्टेप करने का आपको है, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, दैट इज पहले लैपलेस ऑफ कॉस टी, फिर वो आएगा उसके साथ, फिर मल्टीप्लीकेशन विद टी आएगा, वो भी अपना हो चुका है वीडियो लेक्चर में तो आप वो देख सकते हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट अपना पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपना लैपलेस होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी,
तो मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स का हिंट दिया है कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करने का, ये फॉर्म चूज करो, उसके बाजू वाले का लैपलास लो, फिर पर्टिकुलर वैल्यू लगाओ। और दो कंडीशन, एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा एक्सपोनेंशियल निगेटिव में ही रहना चाहिए, अगर निगेटिव में नहीं है तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए रेडी हो जाएगा, ओके। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपका एक्सपोनेंशियल निगेटिव है और बाहर 0 to ∞ से इंटीग्रेशन है, तब भी आप यूज करिएगा ये पर्टिकुलर वैल्यू, अदरवाइज नहीं, ओके। तो और इस वीडियो में और बताने का कोई है नहीं, क्योंकि ये इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप ओल्ड स्टाइल से मत करिएगा, आप न्यू स्टाइल से जो कि है लैपलेस के फॉर्म में, वही करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बस। और ये फॉर्मूला आपको करना ही है, क्योंकि आपको अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो लगने ही वाला है, ठीक है। सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे, हाँ ज़रूर, मेरे सब्सक्राइब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।